लोग बाग यहाँ पे अपना एंजॉय कर रहे हैं और मैं वीडियो भी बना रहा हूँ। मेरे हल्के से टायर फंस गए हैं यहाँ पे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अभी मैंने जस्ट अपना काम फिनिश किया है। काफ़ी ज़्यादा बिजी काम था मेरा और बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल भी था। आज शॉर्ट स्टाफ थे हम लोग और बिजी एकदम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि कूल डाउन करने के लिए हम लोग कहीं पे चलते हैं, कहीं बीच वगैरह पे चलते हैं और जाके थोड़ा सा बैठते हैं, वहाँ पे रिलैक्स करते हैं। अभी घर जाऊँगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल दिन था, घर पे जाके और स्ट्रेस होगा तो कुछ मज़ा नहीं आएगा घर पे जाने में अभी। तो इससे बढ़िया हम लोग चलते हैं, कहीं थोड़ा सा घूम के आते हैं। इसी बहाने मेरा एक व्लॉग भी हो जाएगा और आप लोग भी थोड़ा सा देख लोगे न्यूज़ीलैंड की सड़कें और न्यूज़ीलैंड थोड़ा सा। तो मैं सोच रहा हूँ मेरे काम से अराउंड 40-50 मिनट की दूरी पे एक बहुत बढ़िया बीच है। उस बीच का नाम है मराठा बीच, जो कि एक कोस्टल राइड भी है, बहुत बढ़िया। वहाँ पे बहुत अच्छी राइड है कोस्ट के पास पास, काफ़ी कर्वी भी रोड है, मज़ा आएगा कॉर्नरिंग करने में मोटर बाइक से। तो अभी हम लोग चलते हैं सीधा मराठा पे। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, हम लोग जा रहे हैं मराठा बीच पे, जो कि पड़ता है मराठा टाउन में। मुझे 4 टाउन क्रॉस करने पड़ेंगे वहाँ तक पहुँचने के लिए। 3 टाउन क्रॉस करने पड़ेंगे। पहला टाउन क्रॉस करूँगा मैं विट्सफर्ड, दूसरा टाउन मैं क्रॉस करूँगा क्लेफ्टन एंड तीसरा टाउन होगा बीच एंड, चौथा टाउन अपना मराठा आएगा। बीच लैंड्स भी एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल टाउन है, बहुत अच्छा टाउन है वो। अभी रिसेंटली ही डेवलप किया उसको काफ़ी अच्छा। पर जो मराठा है ये काफ़ी पुराना टाउन है यहाँ पे और काफ़ी अच्छा है। रूरल टाउन कहते हैं मराठा को, रूरल है ये ऑकलैंड के अंदर होते हुए भी, क्योंकि वहाँ के लोगों ने थोड़े टाइम पहले एक सरकार ने प्रपोजल किया था वहाँ के टाउन को कि हम आप लोगों को काउंसिल वाटर से कनेक्ट करते हैं, जिसका मतलब 24 आवर्स के लिए पानी होगा। और जो टाउन था, टाउन वालों ने सब ने मिल के उस प्रपोजल को ठुकरा दिया, कहा कि हम लोग जो रूरल वाइफ्स हैं हम रूरल वाइफ्स में ही रहना चाहेंगे और अपना रेन वाटर से ही गुजारा करेंगे, हम लोगों को उसी की आदत है। तो काफ़ी एक अच्छी बात है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम ऑलमोस्ट पहुंच गए मराठा बीच पे। तो यहाँ का जो नाम है मराठा है वो एक मौरी नाम है। मौरी वो लोग हैं जो न्यूजीलैंड के नेटिव्स थे। तो इस नाम का मतलब तो है मीटिंग बाय द सी और दूसरा मतलब है इसका काम वाटर्स, ठीक है। तो इसका नाम इसलिए रखा है मराठा है क्योंकि यहाँ से बहुत पहले पुराने टाइम्स में इनकी वुडन फेरीज जाती थी मराठा से वाहिके आइलैंड के लिए। वाहिके आइलैंड एक आइलैंड है ऑकलैंड के पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ से फेरीज इसलिए जाती थी, यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा लंबा पड़ता था, फेरीज को घूम के जाना पड़ता था पूरा। तो बट फिर भी उन्होंने यहाँ से क्यों फेरीज को लॉन्च किया, क्योंकि यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा क्लियर है यहाँ का पानी। तो जो पुराने शिप्स होते थे इतने स्टेबल नहीं होते थे, तो उन लोगों को यहाँ से शिप ले जाने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता था। तो इसलिए इसका नाम इन्होंने मराठा ही रखा है, मीटिंग बाय द सी। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं इसके बारे में, तो आगे चलिए मिलते हैं सीधा आप लोगों को बीच में। तो दोस्तों, अब हम कर गए हैं मराठा टाउन में एंटर। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ की एंट्री से ज़्यादा दूर नहीं है बीच, काफ़ी अच्छा टाउन बना रखा है। बहुत पुराने टाइप के घर बने हुए हैं, पहाड़ों पे घर बना रखे हैं इन्होंने सारे यहाँ पे। बेसिकली ये पहाड़ी एरिया ही था पहले, बट यहाँ पे जब पुराने मौरी सेटलर्स आए, उन्होंने आके देखा कि पानी के बहुत क्लोज है ये, और यहाँ से वो लोग अपना जो पानी का सफ़र है वो कर सकते हैं सीधा। तो उन लोगों ने यहाँ पे घर बनाए। जो यहाँ के पहले सेटलर्स थे वो थे फिशरमैन्स और जो फेरी वगैरह चलाते थे वो लोग। बट अब आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा हो गया टाउन और काफ़ी आबादी हो गई है यहाँ पे। बहुत सारे हमारे इंटरनेशनल लोग भी यहाँ पे आके रहते हैं अब, जैसे हमारे इंडियंस, चाइनीज़ और साउथ अफ्रीकन्स बहुत मिलेंगे आपको यहाँ पे। काफ़ी अच्छी वाइब्स है यहाँ पे, मॉडर्न और पुराने घरों का मिक्सचर है, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे आके। आप देख सकते हैं लोग बाग यहाँ पे अभी भी
गर्मियाँ नहीं है बट फिर भी आ रहे हैं और काफ़ी लोग यहाँ पे जंप कर रहे हैं वहाँ ब्रिज से। चलिए हम चलते हैं वहाँ पे, आप लोगों को लेके चलते हैं पास में। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आ गया हूँ मराठा बीच पे, काफ़ी अच्छा वेदर है यहाँ पे। मैंने अपनी बाइक पार्क कर दी है और आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी बाइक को पार्क कर दी है और मुझे पता है कि मैं गर्मी में जैकेट पहन के घूम रहा हूँ बट काफ़ी ज़्यादा सामान है मेरा जैकेट में, मैं उसको छोड़ नहीं सकता, हेलमेट आई कैन लीव इट। तो अभी हम लोग चलेंगे ऊपर ब्रिज पे और आप लोग को मैं दिखा के लाऊंगा थोड़ा सा यहाँ पे कैसा पानी है और कैसा वाइब्स है यहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा क्लियर पानी है और काफ़ी लोग यहाँ पे इंजॉय भी कर रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं काफ़ी यहाँ का। तो आप देख सकते हैं ब्रिज पे काफ़ी ज़्यादा क्लियर पानी है, यहाँ पे सारा ब्रिज भी काफ़ी ज़्यादा पुराना है। ये जंप करना अलाउ तो नहीं है बट फिर भी लोग कर रहे हैं यहाँ पे जंप सारे। और इसी बहाने में अपना जो माइक है माइक भी टेस्ट कर रहा हूँ कि कैसी आवाज़ आएगी इसके अंदर और कैसा रहेगा, कि मुझे ये माइक यूज़ करना चाहिए आगे फ्यूचर में या नहीं करना चाहिए। तो चलिए आप लोगों को थोड़े से मैं शॉर्ट्स दिखाता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे ज़्यादा देर के लिए नहीं रुका क्योंकि ऑकवर्ड फील हो रहा है मुझे, काफ़ी लोग बाग यहाँ पे अपना एंजॉय कर रहे हैं और मैं वीडियो ही बना रहा हूँ विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, मुझे उन लोगों को अलोन लीव कर देना चाहिए। तो चलिए कोई नहीं, हम लोग चलते हैं यहाँ पे एक छोटी सी कोस्टल राइड पे और आप लोगों को दिखाता हूँ मैं थोड़े शॉट्स। हम आगे जाके कहीं ऐसी जगह रुकेंगे जहाँ पे ज़्यादा लोग ना हो। तो चलिए मिलते हैं, बाय। तो दोस्तों मैं हो गया हूँ यहाँ से निकलने के लिए रेडी। जैसा कि मैंने बताया कि काफ़ी ऑकवर्ड हो गया था यहाँ पे, काफ़ी सारे लोगों ने मेरे से पूछा भी कि मैं क्या किस चीज़ के लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, नॉट इन अ बैड वे बट जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी के लिए उन्होंने पूछा मेरे से कि यूट्यूब है या इंस्टा है या किस चीज़ के लिए। मैंने उनको बताया कि यूट्यूब है बट आप लोगों को समझ नहीं आएगा, मैं सारा हिंदी में बोलता हूँ अपना जो भी वीडियोज़ है, चैनल भी शेयर किया है, शायद सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मे बी मुझे फ्यूचर में इंग्लिश में अपना कॉन्टेंट निकालना पड़ेगा अगर मेरे को यहाँ के लोगों की रीच चाहिए। तो लेट्स सी, देखते हैं कि कैसा होता है। तो शायद मेरे को अपना इंग्लिश में भी कंटेंट आगे निकालना पड़ेगा फ्यूचर में अगर मेरे को यहाँ के लोगों की रीच भी चाहिए। तो लेट्स सी हाउ इट गोस। इंग्लिश मैं बोल लेता हूँ अच्छी खासी बट ग्रामर मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, इसी डर से मैं इंग्लिश में नहीं बात कर रहा। मेरा अगला व्लॉग मैं इंग्लिश में बनाने की कोशिश करूँगा और इवन मैं अभी इंग्लिश में बना सकता हूँ ये वाला व्लॉग बट आई थिंक हिंदी में ही कंटिन्यू करते हैं इसको, क्योंकि मैं थंबनेल पे लिखूँगा हिंदी व्लॉग, मोस्टली जो मेरे व्यूज़ आते हैं वो उसी को पढ़ के आते हैं शायद। तो लेट्स सी, अगला व्लॉग ट्राई करूँगा मैं इंग्लिश में बनाने का, तब तक आप इन्जॉय करिए इन ब्यूटीफुल व्यूज़ को। तो दोस्तों मैं यहाँ पे रुका था अभी दो मिनट के लिए एक फ़ोटो लेने के लिए, काफ़ी अच्छा एक चर्च दिखा मेरे को, उसकी फ़ोटो ली है मैंने, आप लोगों को मैं दिखाऊंगा
मेरे इंस्टाग्राम पेज फॉलो करिए वो फोटोज़ वगैरह देखने के लिए। तो जो मैं कह रहा था आप लोगों को, इन लोगों ने आधा सैंड से बना रखा है, आधा इन लोगों ने शेल्स डाल रखे हैं। तो ये बीच सारा स्टार्ट हो जाता है अब, जो शेल वाला एरिया है सारा। तो आप देख सकते हैं सारा वाइट दिख रहा होगा आपको कैमरे में, अभी मुझे देखना पड़ेगा घर जाके, मैं थोड़ा कलर्स एडजस्ट करूँगा, मे बी बहुत ज़्यादा ब्राइट हो आप लोगों के लिए कैमरे में भी। तो हम लोग यहीं कहीं देखते हैं कोई जगह जहाँ पे मैं बाइक उतार सकूँ और हम थोड़ी देर यहाँ पे बैठ सकें। आई थिंक यहाँ से मैं बाइक उतार सकता हूँ नीचे, होपफुली मेरी बाइक वहाँ स्टक ना हो। आई थिंक स्टक हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है यहाँ पे सैंड। आई थिंक टाइड अभी अभी नीचे गई है। मैं ट्राई करता हूँ इन शेल्फ पे लगाने का बाइक को, तो उससे थोड़ा सा हार्ड सरफेस मिलेगा मेरे को। तो आई थिंक यहीं पे लगा देनी चाहिए बाइक को। तो चलिए मैं लेता हूँ यहाँ पे थोड़ी सी फ़ोटोज़ और थोड़ा सा मैं करता हूँ यहाँ पे इंजॉय, और आप लोगों को मैं दिखाता हूँ एक बार हेलमेट वगैरह उतार के, आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखाता हूँ आसपास का मैं। तो दोस्तों यहाँ लगा दिए मैंने अपनी बाइक, काफ़ी अच्छा लग रहा है। आसपास कोई भी नहीं है, दूर दूर तक आप देख सकते हैं दोनों साइड कोई भी नहीं है। काफ़ी ज़्यादा प्राइवेसी वाली जगह मिल गई है मुझे फाइनली। वहाँ पे मुझे एम्बेरस थोड़ा सा फील हुआ इतने लोगों के बीच में वीडियो बनाते हुए। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा क्लियर पानी, जैसा कि मैंने आपको कहा था, ज़्यादा वेव्स भी नहीं है, बहुत लाइट काम सा वेदर है। और अभी शायद टाइड हाई हो रही है इसलिए पानी इतना ज़्यादा ऊपर आ रहा है धीरे धीरे करके, बट नॉर्मली इतना भी नहीं होता यहाँ पे। यहाँ पे जब मैं पहले आया था इतना भी ज़्यादा नहीं था, वेव्स वगैरह बिल्कुल काम था। आप देख सकते हैं ये मेरे हल्के से टायर फंस गए हैं यहाँ पे। अब मुझे देखना पड़ेगा, धीरे धीरे करके निकालना पड़ेगा। इस बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल भी नहीं है जिससे मैं ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन करके निकल जाऊँ यहाँ से, बट चलिए कोई नहीं, यही तो फ़न है इन चीज़ों का। तो अब मैं करता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स, आप लोगों को मिलते हैं जल्दी। तो दोस्तों अभी मैं बाइक निकालने का ट्राई कर रहा था, बहुत ज़्यादा स्मूथ है सैंड, फंस गई है बाइक मेरी, धीरे धीरे करके मैं ट्राई कर रहा हूँ, नहीं तो शायद मुझे किसी को बुलाना पड़ेगा हेल्प के लिए। टायर पीछे स्पिन हो रहा है, बट इट्स ओके, इसी का तो मज़ा है, एक ना एक दिन तो फंसना ही था, ज़िंदगी का उसूल है ये। धीरे धीरे करके निकालते हैं हम लोग, आई थिंक निकल जाएगी। थोड़ा सा ट्रैक्शन मिल रहा है मेरे को शेल्स की वजह से, आई थिंक निकल गई फाइनली। मेरा टायर पूरा आगे वाला भी फ्री घूम रहा है, पीछे वाला भी फ्री हो रहा है, बस मिल गया ट्रैक्शन, निकल गई। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस दोस्तों, बाइक भी निकल गई है मेरी। मुझे भी इस वीडियो से अब निकलना चाहिए, बहुत बोल दिया मैंने, पता नहीं मेरा कुछ रिकॉर्ड हुआ भी है या नहीं है। तो आई थिंक इस वीडियो को हम लोग यहीं एंड करते हैं। काफ़ी मेरे को मज़ा आया, जितना मेरे को कूल डाउन होने का मैंने सोचा था उतना मैं कूल डाउन हुआ नहीं, क्योंकि काफ़ी गर्मी है, मैं बहुत ज़्यादा हैवी जैकेट वगैरह पहन के घूम रहा हूँ, तो आई थिंक बेवकूफ़ी है, ज़्यादा वार्म अप हो गया मैं और भी ज़्यादा। तो अब मैं थोड़ी देर कहीं कैफ़े वगैरह में बैठता हूँ, थोड़ा कुछ आइस ड्रिंक वगैरह पीता हूँ, कुछ कोक वगैरह पीता हूँ, कूल डाउन करता हूँ और मैं फिर घर के निकलता हूँ। तो आज का मेरा व्लॉग इतना ही था, काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, होपफुली मेरा कुछ अच्छा रिकॉर्ड हुआ है जो कि मैं डाल सकूँ उसके अंदर। तो चलिए आप लोग ध्यान रखिए सब अपना, मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में, बाय।